नमस्कार, न्यूज़ पर बिहार में आप सभी का स्वागत है। तेलुआ पंचायत के पंचायत भवन के पैसे का हुआ बंदरबांट। आपको बता दें कि सुपौल जिला के सदर प्रखंड के तेलुआ पंचायत में बना पंचायत भवन जो अपूर्ण है, जिसमें कुछ राशि की निकासी भी हो गई है, पर आज तक भवन तैयार नहीं हुआ है। वहाँ के लोगों को पंचायत करने के लिए किसी के दरवाजे पर जाना पड़ता है, जिसको लेकर ग्रामीण प्रमोद कुमार यादव ने जिलाधिकारी को एक आवेदन दिया, जिसमें कहा गया कि भवन को अविलंब निर्माण कराया जाए। राधा यादव, कौन से पंचायत घर? तेलवा पंचायत, वार्ड नंबर 8। क्या समस्या है? समस्या है कि पंचायत भवन का नींव जो है 2003 में रखा गया है, 3-4 में। अभी तक जो है पंचायत भवन नहीं बना है। पंचायत भवन का यहाँ तक कि पंचायत भवन जो है ना बनना था 3-4 में कंप्लीट हो जाना था। इसका कार्य योजना लगभग 4,60,000 था, जो हमको उतना मालूम नहीं है। इतना पता है कि 4,60,000 का था, 4,36,000 रुपया निकल चुका है। इसका अभी तक छत ढलाई भी नहीं हुआ है। फर्नीचर का भी रुपया उठ गया है, इसका जो फर्नीचर लगना था उसका भी रुपया उठ गया है, लेकिन अभी तक छत ढलाई नहीं हुआ। ये आपके सामने में है कि नीचे ज़मीन भी नहीं बना हुआ है, केला का बाग बना हुआ है। तो आप बढ़िया से देख लीजिए क्या है। क्या नाम है आपका? सिविला मंदिर। पापा जी का नाम? सूर्य भोला मंदिर। घर और तलवा, वार्ड नंबर 12। क्या समस्या है? समस्या है बनने का था, ये पंचायत भवन नहीं बन सका। केला का बाग लगा है, लत्ती लगा है, चौथाना है, फुल्ला चिल्ला गरम बगरम देख रहे आपको। कौन बनाया था ये? मुखिया जी बनाया था और ये हमारे ध्रुव है, कुशेजा सीताराम मुखिया। क्या नाम है आपका? पापा जी का नाम? घर वार्ड नंबर 8। क्या समस्या है? समस्या यही है कि 2003 में ये बना है, अभी तक इसका छत भी ढलाई नहीं हुआ है। केला का बाग इंचा लगा है, लेटरिन बाथरूम बना है, तो कोई देख रेख नहीं कर रहा है। कौन बनाए थे? यही तो हमको मालूम है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शुक्ल का। पापा जी का नाम? दौरा का। घर? घर तलवा। क्या समस्या है? ये सब देख रहे हैं कौन सी बात चला रहा है।